हे एवरीवन, सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वायरस। वायरस होते हैं हमारे नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इनके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होता। जैसे हम में सेल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ये सब प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर ये सब कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसने बोलते हैं हम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। होता क्या है, इनके अंदर सिर्फ एक प्रोटीन की कोट प्रेजेंट होती है और उसके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल जो कि होता है हमारा डीएनए या फिर आरएनए वो प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट है, ये होते हैं हमारे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। पैरासाइट तो वो होते हैं जो दूसरे की बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं, और ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब हो गया कि ये सिर्फ अपने होस्ट की बॉडी के अंदर ही लिविंग होते हैं, बिना अपने होस्ट के ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो अगर तो वायरस होस्ट की बॉडी के अंदर है तो वो लिविंग होता है, अगर वो होस्ट की बॉडी के बाहर है तो वो होता है हमारा नॉन लिविंग। अच्छा, इसके जो प्रोटीन की कोट है बाहर वायरस के, इसको हम बोलते हैं कैप्सिड। और ये जो कैप्सिड होती है ये बनी हुई होती है छोटी छोटी प्रोटीन की सब यूनिट से मिल करके, जिनको हम बोलते हैं कैप्सोमियर। अब कैप्सोमियर दो तरह के होते हैं, पहला या तो ये हेलिकल कोट होगी जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, दूसरा ये पॉलीहेड्रल होगी जैसा हमने फिगर में ड्रॉ कर रखा है। और इनकी बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, ये वायरस क्या करते हैं, जैसे एक ह्यूमन की बॉडी होती है तो सबसे पहले क्या होगा, एक वायरस उसके अंदर इंसर्ट होता है, एक वायरस उस ह्यूमन की बॉडी के अंदर आता है। ह्यूमन की बॉडी के अंदर आने के बाद ये वायरस क्या करते हैं, उसकी जो मशीनरी है, उसका जो सिस्टम है, उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, उसको अपने कंट्रोल में करते हैं और उस सिस्टम से अपने कैप्सिड बनवाते हैं, अपनी प्रोटीन की कोट बनवाते हैं। और जब वो प्रोटीन की कोट बनती है तो उसके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता रहता है। इस तरह से ये रेप्लिकेट करते हैं, एक से ज़्यादा बनते रहते हैं। अब होता क्या है, जो आपके प्लांट्स को इफेक्ट करने वाले वायरस होते हैं वो जनरली होते हैं आपके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब इनके अंदर बस आरएनए प्रेजेंट होता है और वो भी सिंगल स्ट्रैंड वाला। और दूसरे जो आपके एनिमल्स को या फिर और भी किसी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जिनको भी इफेक्ट करते हैं, वो जनरली वायरस हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए कंटेन करते हैं। ये ह्यूमंस के अंदर बहुत तरह की अलग अलग बीमारियाँ करवाते हैं, लाइक मम्स, हर्प्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स। उसके साथ साथ ये थी एनिमल्स की, प्लांट्स में भी बहुत सारी बीमारियाँ ये करते हैं, लाइक लीफ का मुड़ जाना, येलो कलर हो जाना लीफ का, जो लीफ के ऊपर वेंस होती है उनका हट जाना, उसके साथ साथ प्लांट की ग्रोथ रुक जाना, ड्वार्फिज्म, बहुत सारी प्रॉब्लम से कॉज करते हैं। अच्छा, जो आपका वायरस वर्ड होता है ये बना हुआ होता है आपके वेनम से। इसको इन्वेंट किया था डिमिट्री इवानोस्की ने। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्लांट को देखा, एक टोबैको प्लांट को, और देखा कि उसके अंदर कोई डिजीज़ कॉज हो रखी है। सो उन्होंने इसके अंदर से कुछ माइक्रोब्स निकाले। सो जब इन्होंने वो माइक्रोब्स निकाले और उनको बैक्टीरिया की प्लेट से फ़िल्टर किया, मतलब ये फ़िल्टर किया कि ये बैक्टीरिया तो नहीं है, तो ये उस फ़िल्टर से भी पास हो गए, जिससे हमें पता चला कि इनका जो साइज़ है वो बैक्टीरिया से भी कम होता है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट हमारे आए, MW Vigenerick। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया और ये जो माइक्रोब्स निकाले थे इनको एक हेल्दी टोबैको प्लांट में इंसर्ट किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो टोबैको प्लांट हेल्दी था वो भी दोबारा से डिजीज प्लांट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फाइनल साइंटिस्ट आया हमारे WM Stanley। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो माइक्रोब्स थे इनको क्रिस्टलाइज कर दिया, और जब इन्होंने क्रिस्टलाइज किया तो इन्होंने उसको जब ऑब्जर्व किया तो पता चला कि वो प्रोटीन्स थे, जिससे हमें पता चला कि जो वायरस होते हैं उनके बाहर की कोट प्रोटीन होती है। और उसके साथ इन्होंने ही ये टर्म दी थी कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। अच्छा, और इसके बाद 1971 में एक साइंटिस्ट आया, TO DNR। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पोटैटो लिए और जब इन्होंने उनको ऑब्जर्व किया तो उन्हें दिखा कि इन पोटैटोज़ के अंदर माल फॉर्मेशन था, इनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही थी और इनके अंदर ट्यूबर्स प्रेजेंट हो रखे थे। तो इन्होंने पोटैटो की ये डिजीज़ को देखा तो इन्होंने उसको नाम दिया पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड डिजीज़। इन्होंने देखा कि ये जो डिजीज़ इन्हें हो रही थी ये हो रही थी सिंपल आरएनए की वजह से, मतलब इनके बाहर प्रोटीन कोट भी नहीं थी, इसीलिए इनको हमने नाम दिया वायरॉइड्स। ये वायरस से भी छोटे होते हैं साइज़ में। अगला देखते हैं हमारे प्रायोन्स को। जो हमारे प्रायोन्स होते हैं ये हमारे कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो बने हुए होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से, मतलब मिसफोल्डेड प्रोटीन से। सो इनका जो साइज़ होता है वो वायरस के साइज़ के सिमिलर होता है, उसी के साइज़ के दिखते हैं। और उसके साथ साथ जो ये एजेंट्स हमारे होते हैं ये कुछ डिजीज़ कॉज करते हैं, लाइक ये काओ के अंदर डिजीज़ कॉज कर देते हैं, मैड काओ डिजीज़। और इसको एक और नाम से हम जानते हैं, दैट इज़ बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एनसीफेलोपैथी, BSE। इस डिजीज़ के अंदर जो हमारे प्रायोन्स होते हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं काओ के नर्वस सिस्टम के ऊपर और उसको अपने अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं। तो ये जो डिजीज़ होती है ये तो होती है कैटल्स के अंदर, उसके साथ साथ ऐसी ही डिजीज़ हमें ह्यूमंस में भी देखने को मिलती है, जिसको हमने नाम दिया है CR Jacob disease, क्योंकि इसे जेकब ने डिस्कवर किया था, जिसको हम शॉर्ट में CJD भी बोल सकते हैं। फाइनल है हमारे लाइकेंस।
जो हमारे लाइकन्स होते हैं वो होता है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट्स का रिलेशनशिप बिटवीन एल्गई एंड फंगई। सो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, जो एल्गई है वो होता है हमारा फाइकोबियोंट और जो हमारा फंगल है वो होता है हमारा माइकोबियोंट। सो ये जो हमारा एल्गई होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है और जो हमारा फंगस होता है वो हीटरोट्रॉपिक होता है, जैसा हमने हमारी फंगस वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। सो एल्गई ऑटोट्रॉपिक है तो फूड बनाएगा फंगस के लिए, और जो फंगस है रिटर्न में उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा, मिनरल्स प्रोवाइड करवाएगा और उसको वाटर प्रोवाइड करवाएगा। और इतना ही नहीं, इनका जो कॉम्बिनेशन है, जो लाइकेंस होते हैं हमारे, वो सिर्फ क्लीन एरिया में ही बनते हैं, मतलब कोई भी पॉल्यूटेड जगह पर लाइकेंस होते ही नहीं है। इसका इसी की वजह से लाइकेंस कई बार क्लीन एनवायरनमेंट का इंडिकेशन भी देते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।